धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के सरकारी अस्पताल के पास नाले में 17 नवंबर 2019 को गैंगस्टर व्यापारी के पुत्र का अपहरण किए हुए 10 वर्षीय बालक का शव गोरे के अंदर नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। बालक का शव नाले में पड़ा हुआ देखकर स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना लोगों ने बसेड़ी थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का शव नाले के अंदर से बाहर निकाल लिया, जिसे बसेड़ी राजकीय चिकित्सालय के शवगृह में रखवाया। दो दिन पूर्व अपहरणकर्ताओं ने बालक की दादी के मोबाइल पर फोन कर 3 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। परिजनों और कस्बेवासियों ने बालक के शव को सड़क पर रखकर जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसी दौरान पुलिस ने निजी सूत्रों से हत्या के मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को राउंडअप किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक बसेड़ी थाना क्षेत्र के नयावास निवासी 10 वर्षीय लव जायसवाल पुत्र ब्रज किशोर जायसवाल 17 नवंबर 2019 को दोपहर करीब 1 बजे के आसपास घर से अचानक गायब हो गया था, जिसकी परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में तलाश की, लेकिन बालक का पता नहीं चल सका। बीते कल बालक की दादी के मोबाइल पर अपहरणकर्ताओं ने 3 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। अपहरणकर्ताओं ने मोबाइल पर 3 करोड़ रुपए नहीं देने के एवज में बालक की हत्या की बात कही थी। पूरे प्रकरण को लेकर बालक के पिता ने बसेड़ी पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन आज बालक का शव भोरे के अंदर बंधा हुआ अस्पताल के पीछे में नाले में मिला है। स्थानीय राहगीरों को शव नाले के अंदर पड़ा देखा तो सनसनी फैल गई। उधर गैंगस्टर व्यापारी के परिवार में जैसे ही बालक की हत्या की खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल बना हुआ है। मामले की सूचना पाकर बसेड़ी उपखंड प्रशासन एवं पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया, बच्चे का शव कब्जे में लेकर बसेड़ी राजकीय अस्पताल के शव गृह में रखवाया। घटना से आक्रोशित लोगों ने बाजार को बंद रखा। उधर मामले की सूचना पाकर आईजी भरतपुर रेंज लक्ष्मण गौड़, पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छवा मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित कस्बेवासियों ने हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। इसी दौरान पुलिस ने निजी सूत्रों से मुख्य हत्यारे सहित 2 लोगों को राउंडअप किया है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छवा ने बताया, अपहरणकर्ताओं में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड द्वारा बालक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अपहरणकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। जो पीड़ित पक्ष के द्वारा हमें किडनैपिंग की और उसके बाद में जो है पैसा मांगने की रिपोर्ट दी गई थी, उसके तत्वावधान में जो है पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को इसमें राउंडअप किया है, जिसमें से मुख्य आरोपी जो है उसको भी हमें राउंडअप कर लिया है। पूछताछ अभी उसमें जारी है और जैसे भी उसमें तथ्य सामने आएंगे वो आपसे साझा किए जाएंगे। सर, किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? कल जो मुकदमा जो दर्ज किया गया 364A भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया गया है। और फिरौती की जो रकम थी वो कितने पैसे मांगे थे? जैसा कि परिवादी पक्ष द्वारा बताया गया है कि 3 करोड़ की फिरौती जो है वो उतना मांगना उन्होंने रिपोर्ट में अपने में दिया है। सर, जो फिरौती मांगी गई थी वो किसके जरिए से मांगी गई थी, कितनी मांगी गई थी? ये अनुसंधान का विषय, अभी धीरे धीरे जैसे भी जो भी बातें सामने आएगी वो आपसे साझा करेंगे। जी सर, धौलपुर में बसेड़ी गांव का मामला है। एक बच्चा लव जायसवाल, जिसके पिताजी पत्थर काम करते हैं, बच्चा 6वीं क्लास में पढ़ता था। 17 तारीख की शाम से बच्चा लापता था, घर वालों को लगा बच्चा इधर उधर खेलने कूदने गया होगा। 18 तारीख की सुबह बच्चे की दादी के पास टेलीफोन आया, जिसमें 17 की एतवार तो बच्चे की दादी के पास फोन आया रैनसम के लिए। इन्होंने दिल्ली बताया, इनका छोटा भाई जिनका बच्चा गया, बच्चे का चाचा दिल्ली काम करते हैं, उन्होंने फिर सुबह ही कलेक्टर साहब से और एस साहब से संपर्क किया। एस साहब ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए लोकल जो CO और SHO हैं इनको कहा कि तुरंत देखिए। इन्होंने आकर मालूम किया तो पता लगा सब ऐसे एक बच्चा गायब है। जो नितिन नाम का लड़का है वो 17 तारीख को इनके पास पहुंच गया था और इनको बताया था कि मैंने धौलपुर देखा है इसको लड़के। इन्होंने पुलिस को बताया, पुलिस ने उस लड़के से अच्छी खासी पूछताछ की। पूछताछ में पता लगा कि साहब उसका ये कहना धौलपुर में मैंने फला जगह जगदीश चौराहे पे मैंने उस लड़के को देखा, इसको कुछ लोग लेके गए। पुलिस वालों ने उसको कब्जे में लिया, कब्जे में लेकर उसको धौलपुर गए। धौलपुर में बताया कि हवाई कमांड के बहुत सारे कैमरे लगे हुए, तो बताओ तुमने कहाँ देखा कैसे देखा। तो वहाँ से फिर उसकी स्टोरी सामने आ गई कि झूठ बोल रहा है। लोकल डिप्टी SP और SHO दोनों ही कोर्ट में किसी काम से गए थे, उनको बुला लिया और सारा SP साहब ने सारा फोकस इस पर कर दिया। जब से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कहा साहब आगरा के कुछ लोग ले गए हैं, तो आगरा टीम भेजी, फिर
आगे बात पता लगी कि साहब हाथरस के कुछ लोग लगे, हाथरस में लेके गए तो हाथरस टीम भेजी। रात को लगातार पूछताछ करने पर जो नींद टूटा सत्य की गई, अलग तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से इसे पूछताछ की गई। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम लड़के किडनैप किया था, मैंने लड़के को मैंने पढ़ाया है, मैं जानता था मुझको पैसे की आवश्यकता थी कि मेरे पास कोई और कोई काम धंधा नहीं है, तो हमने बच्चे को इस तरह किडनैप करके, चूँकि बच्चा हमको जानता था, हमने बच्चे को मार दिया है। और मार के जो हॉस्पिटल है बसेडी का, उसके पीछे बच्चे को मनियारी मोहल्ला में, ये जो मुलजिम है ये मनियारी मोहल्ला में रहता है। पहले इसे घर परिवार से बहुत सी तरह परिचित था क्योंकि उसने बच्चे को पढ़ाया हुआ है। दूसरा लड़का है हमारा, उसका जो साथी था, एक्टिव रोल है उसका हमारे पास है। इसके अलावा कुछ और संदिग्ध लोग हमारे पास हैं, उनको हम जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं तो उनका कितना रोल है, रोल है या नहीं, कितना रोल है। सर हत्या कब हुई? हत्या बच्चे की 18 को। सर जो फिरौती मांगी गई थी वो परिवार के किस सदस्य से मांगी गई थी और कितनी मांगी गई थी? शुरू में बात आई है कि जैसे इन्होंने बच्चे के पिताजी ने बताया कि इनकी माँ से फिरौती की डिमांड करने के लिए कॉल आया था, शुरू में 3 करोड़ रुपए मांगे थे। सर कितने लोगों ने मिलकर इस बात को अंजाम दिया था? अभी तक तो जो बच्चे का मर्डर हुआ है इसमें 2 आदमी शामिल है, लेकिन अभी पूछताछ जारी है, अभी फिगर्स के बारे में पूरी तरह नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ और लोग भी इसमें मिले हैं। क्या अपने जो मास्टर था इसका उसको पकड़ा है अभी तक? जी। क्या नाम है? हमारी कस्टडी में नितिन कुशवाहा। सर जो बच्चे की हत्या हुई है किस तरीके से की गई है? बच्चे की हत्या उसका गला दबा की गई, बच्चे का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। करने के बताएं आप। यानि बच्चे को ले गए, फिर फोन किया है और फोन करके ना फिर 3 करोड़ मेरी माँ पे मांगे, हमारे लिए फोन नहीं किया है, फिर 3 करोड़ की 3 करोड़ ना, फिर जी हमारे घर आ गया है। या तो बच्चे को फिर बोला है कि 3 करोड़ रुपए दे दो, और नहीं तो बुढ़िया अगर थाने में रिपोर्ट कर दी या कजू कर दी तो तेरे बच्चे को टुकड़े करके तेरे दरवाजे डाल दूंगा और इधर मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। किसी से कह मन देना, अपने बच्चों से भी मत कह देना, माँ शांत रहिए। फिर बच्चे देखे हैं, 2 बच्चे तो मिल गए हैं, 1 बच्चा मिला नहीं है, मेरा लव किधर गया? तो फिर हम देखा है सो हमको नहीं मिला, फिर जी हमारे घर ही आ गया है शाम को, फिर जो बोला कि आके नहीं कि बच्चे को धौलपुर देखा है मैंने गाड़ी में सैपुर रोड पर, यूँ हो गया ये गाड़ी, फिर वहाँ लेके नहीं, फिर मैंने कि तन देखा है कि लव देखा है, और कहते आदमी 5-6 आदमी बैठे हैं, फिर कोई बात नहीं। तब फिर कही कि हम तो तेरी तरह वैसे कह रहे हैं कुछ करने के, पहला इसकी माँ बोली थी कि पहला केस है वो। तो धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की कुशवाहा कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 28 वर्षीय युवक का शव मकान के अंदर कमरे में पंखे से फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। युवक के शव को देख परिजनों में कोहराम मच गया, घटना स्थल पर कॉलोनी वासियों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना परिजनों ने स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस को दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर राजकीय चिकित्सालय के शवगृह में रखवाया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र की कुशवाहा कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र भगवान सिंह बीती रात खाना खाकर कमरे के अंदर सो गया था, लेकिन सुबह जगार होने पर देखा परिजनों ने तो युवक कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर झूल रहा था, जिसे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। वारदात की खबर कॉलोनी में सुर्खी बनकर फैल गई, घटना स्थल पर कॉलोनी वासियों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने घटना की सूचना स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस को दी, जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से मौका मुआयना किया, युवक का शव कब्जे में लेकर पुलिस ने जिला अस्पताल के शवगृह में पहुंचाया। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द कर दिया। मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, घटना में पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 19/11/2019 को सवेरे सूचना मिली कि धर्मेंद्र पुत्र श्री भगवान सिंह जाति कुशवाहा निवासी ITI रोड डोगरपुरा ने फांसी खाकर अपनी जान दे दी है, जिस पर सबको मोर्चल में रखवाया गया, बाद पोस्टमार्टम सब परिवारजनों को सपोर्ट किया। कारण क्या बता रहे हैं सर? फांसी अज्ञात कारण है, अभी कोई कारण नहीं बताया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती आज कांग्रेस कार्यालय डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा के निवास पर समारोह पूर्वक मनाई गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा थे। इस अवसर पर डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने कहा, श्रीमती गांधी ने सक्षम और सशक्त भारत का निर्माण किया। इंदिरा भारत ही नहीं पूरे संपूर्ण विश्व में नारी शक्ति का प्रतीक थी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी एकता, दूरदर्शिता और सरलता का प्रतीक थी। उनकी सोच और निर्णय, उनके द्वारा किए गए कार्यों को समूचे विश्व में स्वीकार किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेत्री रजनीकांता कुशवाहा, नगर सभापति कमल कंसाना, शैक्षिक प्रकोष्ठ के गिरिजा शंकर शर्मा, जोगिंदर सिंह, मुकेश कुमार पार्षद सिंह कुशवाहा, महेश मिश्रा, महेंद्र सिंह कुशवाहा, सुरेंद्र सिंह दरियापुर, संजय गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय सैपऊ से प्रोफेसर डॉक्टर राजेश शर्मा का ट्रांसफर होने पर एबीपी छात्र संगठन के द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर ट्रांसफर रुकवाने की मांग की है। छात्रों ने तहसीलदार को समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि सैपऊ में इसी सत्र महाविद्यालय शुरू हुआ है, जिसमें प्रधानाचार्य के अलावा केवल एक प्रोफेसर नियुक्त था, जिनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह चौपट हो जाएगी। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए विद्यार्थियों ने शीघ्र ही कॉलेज में प्रोफेसर की नियुक्ति की मांग की है, साथ ही मांग नहीं मानने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में एबीवीपी नगर मंत्री दीपक राजपूत, भीमसेन, अजय लोधा, अमित पंकज रोहित आदि छात्र। कुशवाहा छात्र संगठन की कार्यकारिणी बैठक का आज कुशवाहा छात्रावास पर पूर्व अध्यक्ष दीवान सिंह व राजेंद्र सिंह व ध्रुव कुशवाहा की उपस्थिति में सम्पन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा, उपाध्यक्ष पद पर धनवीर सिंह कुशवाहा, कोषा अध्यक्ष पद पर के कुशवाहा एवं सचिव पद पर धर्मेंद्र सिंह, महासचिव पद पर भूरी सिंह, मीडिया प्रभारी पद पर दीनानाथ कुशवाहा, संस्कृति सचिव सोनवीर वास, संगठन मंत्री पद पर नीरज कुशवाहा को मनोनीत किया गया है। नर्सिंग छात्र संगठन भारत के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नर्सिंग छात्र छात्राओं की विभिन्न मांगों व समस्याओं के निराकरण के लिए मांग की गई है। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन देने वालों में नर्सिंग छात्र संगठन भारत के जिला उपाध्यक्ष नीति सरगेनिया सहित समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के तहत जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय द्वारा एक दिवसीय कैंपस शिविर का आयोजन कार्यालय परिसर धूलकोट में 21 नवंबर को किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी रघुवीर सिंह मीणा ने बताया कि शिविर में बेरोजगार आसार्थियों को व्यवसायिक मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्त बेरोजगार आसार्थी अपनी योग्यता संबंधी दस्तावेज तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर 21 नवंबर को प्रातः 10 बजे कार्यालय परिसर धूलकोट धौलपुर में भाग लें।